हाय एवरीवन वन वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द येस्टरडेज लेक्चर अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं दिस इज द सेकेंड पार्ट माई नेम इज़ रोहित गर्चा दिस इज अभिमन्यू आई Which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture. And for complete course, watch till the end of the video, where I will tell you in detail what the master course of Current Affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. ये एक अच्छा टॉपिक है दिस इज फ्यूचर है जिसको किसी और ने बनाया, लेकिन इसको अल्टीमेटली रिलीज किया दैट इज फोरम राइट सो केस अगर आपके पास में सवाल आता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर ऑप्शन में है तो दिस विल बी योर आंसर अदरवाइज ये स्टडी कंडक्ट किसने करी है वो मैंने आपको नीचे द इंडेक्स जो लिखा हुआ है ना उसमें मेंशन किया हुआ है। so, क्या करता है इट मेजर्स कंट्रीज रेडीनेस टू हार्नेस फ्यूचर ऑपरच्युनिटीज राइट कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या है और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर यह है कि इन्होंने ना छह टाइप ऑफ इकॉनमी को आइडेंटिफाई किया है कि अब जो हमारी इकॉनमी चलेगी वो कौन से छह टाइप में चलेगी तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन चीज है ये कि आपकी इकॉनमी की तैयारी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी इसके बाद में आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेसिफिकली आप ब्राउनी पॉइंट इकट्ठे करना चाह रहे हो फ्यूचर ट्रेंड के ऊपर बात है ये और UBSC इसको राइट right नाउ पकड़ेगा राइट इफ यू टर्न टू द्री बिल्कुल इसके नेक्स्ट में तो ये है वो टाइप्स ऑफ इकॉनमी जो इसने आइडेंटिफाई करी हैं एग्जाबाइट वेल बींग नेट जीरो सर्कुलर इकॉनमी बायोग्रोथ एंड एक्सपीरियंस इकॉनमी राइट दीज आर दाइप्स ऑफ इकॉनमी छः टाइप्स ऑफ इकॉनमी जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी है प्लस इन्होंने रेडीनेस को पॉइंट आउट किया कि कौन सी कंट्री ज़्यादा कौन सी कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रेडी हैं इन सारी इकोनॉमीज को टैप करने के लिए राइट right? तो हमारे पार्ट के ऊपर

भूलो ना आप इसको ऐसा है ये टॉपिक के अभी दिमाग में घुस जाएगा ऑल राइट नंबर वन लिख लीजिए आप एक्साबाइट इकॉनमी मैं आपको की ही दूंगा इसके ठीक है स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है जहां जरूरत होगी मैं खुद ही बता दूंगा एक्साबाइट अगर आप बहुत आसान भाषा में समझो तो ये डिजिटल इकॉनमी की बात ही कर रहे हैं इट इज प्रिसाइसली दैट ओनली की मैक्सिमम 5G स्पीड्स राइट मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइसेस किसके पास में आ राइट तो उसको एग्जावाइट इकोनॉमी एक बोलते हैं इसको आप ऐसे लिख लीजिए एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज comma IoT. ये बाय द वे इफ अगर आपको यूपीएससी के बाद में पोस्ट वगैरह लेने के बाद में भी चैन नहीं पड़े जो कि नहीं पड़ेगा क्योंकि आप आग लग चुकी है ना अंदर तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा हैप्पीनेस की तरह है ये अब आपको बर्थडे पे के काटना ही है तभी आप खुश हो गए सो यू हैव टू डू समथिंग तो उसके बाद में आपके पास में छे इकोनमीज का एक उन्होंने ब्लू प्रिंट तैयार कर दिया इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस राइट और आप अमीर होना चाहते हैं जैसे वो पोस्ट वाला हो गया है ना सलूट बज गए अब आपको पैसा चाहिए है ना तो दीज आर दी सिक्स इकोनॉमीज जिसको आप आइडेंटिफाई करके अपना अगर फ्यूचर कुछ करना चाह रहे हो उन्होंने आपका काम आसान कर दिया राइट कॉमा लिखिए आगे कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज बिकम्स अफोर्डेबल एंड एफिशियंट मेन मेन मुद्दा ये कि एक्साबाइट इज डिजिटल अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप इसके अंदर डाल सकते हो आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं वो वट वट आर द दट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एग्जाबाइट इकॉनमी है ना तो आप उसमें यही बताओगे कि अब एफिशिएंट होएगा मामला है ना और सब चीज़ें इस पर ट्रांसफर होंगी लिमिटेशंस क्या हैं बातें वहीं हैं सेम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं बस कैटेगरीज हैं ये नहीं आइडेंटिफाई करके दी गई हैं आपको कि ये एक अलग से इकॉनमी ही है प्रॉपर क्या लिखा अभी हमने लास्ट में बिकम्स अफोर्डेबल एंड एफिशियंट आई ओ टी लिख चुके हैं मैंने फुल स्टॉप और ये सारा ये यूएन ने दी है कैटेगरीज बाय दिपोर्ट ने उसको थोड़ा सा और एम्फोसाइज किया है थोड़ा एक्सप्लेन किया है डिटेल में गए और कंट्रीज को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर बताया है बट दीज सिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज दीज आर गिवन बाय ओनली यू एन की रिसर्च के थ्रू ही है ये और यूएन ने ही ये छह टाइप ऑफ इकॉनॉमी को आगे रखा है राइट right? एक यूएन का डाटा भी है इसके एक एक लाइन में लिख लीजिए इसी के साथ में डेटा एंड कनेक्टेड डिवाइसेस विल ड्राइव एन एस्टिमेटेड टोटल इकोनॉमिक वैल्यू विल ड्राइव एन एस्टिमेटेड टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ट ट्रिलियन डॉलर बदबे एट ट्रिलियन डॉलर को लिखने का ना शॉर्ट त्री का भी होता है डॉलर साइन एट एंड देन टी एन स्मॉल टीएन तो अगर कभी पेपर में देखने को मिले कि टी एन लिखा हुआ दैट मीन्स ट्रिलियन ओनली राइट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव विच में सीम फार बट ये अगले साल है जस्ट टू गिव यूर पर इस एज में आके ना जब आप जैसे कॉलेज पार करते हैं, फिर साल ऐसे हो जाते हैं पैक्ट से कि आप अभी भी आई थिंक दो हजार बीस के आस पास ही होंगे आपके मेंटली तो आप कि बीस चल रहा होगा है ना तो आइए बच्चे नेक्स्ट इज नेक्स्ट कौन सी है वेल बींग इकॉनमी फोकस ऑन हेल्थ prevention हेल्थ prevention सही से नहीं लग रहा हेल्थ कॉमन डिजीज प्रिवेंशन एंड वेलनेस कोई होगा इसका भी मतलब ऐसे यूएन के ऑफिशियल साइट पे हेल्थ प्रिवेंशन ही लिखा हुआ है बट मतलब इसका यही है बच्चे एंड वेलनेस It it includes that interest in physical and mental well being, interest in physical and mental well being is said to grow considerably. तो मतलब अगर आप एक चुगली हेल्पलाइन खोल दोगे कि लोग अपने मन की बढ़ास निकाल सकें तो आप करोड़पति बन सकते हो राइट right? हाँ कुछ वैसी सी बात है ये अच्छा इन्होंने आ, मतलब इफ इफ यू सी ना कि अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है कोरोना के बाद में आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि दैट नाउ पीपल आर वैल्यूइंग लाइफ मोर देन अदर थिंग्स अब थोड़ा सा अब, आप लोगों के घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब थोड़ा सा कैजुअल सा हो गए हैं चीजों को लेके अब अब इतना वो मारो मार नहीं होती कि नहीं किया तो लूट जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे ये वो थोड़ा सा शांति पड़ गई है कि मतलब कोरोना में देख लिया है राइट डू यू एग्री और नॉट ऐसे डिसएग्रीमेंट वाले फेसेस दिख रहे हैं मुझे डिसएग्री करते तो मेरे लिए फायदा है डिसएग्री करते तो बोल दिया करो और मजा आएगा जो भी जो भी बात चल रही है अगर उस पर आपका कोई अलग व्यू पॉइंट है तो फील फ्री टू स्पीक जैसे मैंने आपको एक आइडिया प्रपोज किया है दैट नाउ पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट अब उनका पैसे से फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होकर जीवन को इंजॉय करने पे ज्यादा हो गए हैं पहले के मुकाबले अगर आपने कहीं नोटिस किया है अपने आसपास में ऑब्जर्व किया हो या अपने आप में ऑब्जर्व किया हो नहीं किया मशीन के पुरजो <laughs> <coughs> अच्छा आसपास किया है ना ठीक है हां ये भी एक एक, एक थोड़ी मिसकंसेप्शन रहती है एक एक ना देर इज डिफाइंड टर्म कॉल्ड सेटलमेंट पर वो होती कुछ नहीं है पूछना कभी किसी से जो आपको लगता है ना कि सेटल्ड है यू चूज दैट वन अपने मन से चूज करो कि आपको जो लगता है ना बंदा भी ये सॉर्टेड है ट्राई टू तो बी फ्रेंड हिम और हर ट्राई टू आस्क मतलब देर इज ए रीजन ना कि वो जो पहले चार आश्रम नहीं होते थे तो लास्ट में कौन सा होता था हा क्यों वो क्योंकि पहले वाले एंडलेस है आप करने को अब फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की तैयारी करते रहो ये खत्म ही नहीं होगा आप, आप हिस्ट्री पढ़ने बैठो यू कैन रीड एन नंबर ऑफ बुक्स आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो 2021 या 22 में हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया था वो ब्रिटेन में किसी जो बोले पेपर्स नहीं पब्लिश होते रिसर्च पेपर्स उसमें से लाइन उठा के यूपीएससी के पेपर में डाली हुई है तो आप क्या करोगे आप सारे रिसर्च पेपर पढ़ने लग जाओगे इट इज एंडलेस है ना तो ये वाली जो पर्टिकुलर इकॉनमी है जिस वेल बींग इकॉनमी ये इस कोरोना के बाद में थोड़ा सा इस ये ऑब्जर्वेशन को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा था कि अब थोड़ा सा लोग इजी गोइंग हुए हैं पहले के मुकाबले पहले ज्यादा वो होता था अब अब पीपल प्रेफर कि आप अपने शहर के आसपास पास रहे फैमिली के आसपास रहें एक एटीट्यूड में चेंज आया है इसके बाद में राइट आप आप में नहीं आया कोई बात नहीं आ जाएगा गिव इट सम टाइम राइट आइए बच्चे नेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट कौन सी है नेट जीरो इकॉनमी ये तो खैर पता ही होगा इसमें तो क्या ही लिखे हैं ना नेट ज़ीरो के ऊपर हम बात कर चुके हैं काफी बार नेट जीरो ज़ीरोनॉमी यही तो हम अचीव करना चाह रहे हैं कि आपकी कोई नेट ज़ीरो इन द सेंस कार्बन कार्बन एमिशन कोई भी नेट मतलब कोई भी कार्बन एमिशन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो आप उसको कैप्चर भी कर रहे हो साथ साथ नेट इज जीरो राइट सो इट इज दैट नेक्स्ट कौन सी है बच्चे सर्कुलर इकॉनमी इसके बारे में, में काफी बात कर चुके हैं फिर भी आप लिख लीजिए रिसाइकलिंग एंड अप रिसाइकलिंग एंड अप विल बिकम मोर मेन स्ट्रीम रिसाइक्लिंग तो समझते हैं आप हा अपसाइक्लिंग इज अ फॉर्म ऑफ री यूज राइट बट इसके अंदर आप ना कुछ और चीज बना सकते हो उसके साथ में हाँ, राइट। रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग के अंदर बस मतलब थोड़ा सा फर्क यह है कि रिसाइकलिंग इनवॉल्व डिस्ट्रॉइंग अ प्रोडक्ट डिस्ट्रॉइंग द वेस्ट अपसाइक्लिंग के अंदर यू डू नॉट डिस्ट्रॉय अ वेस्ट प्रोडक्ट यू यूज इट टू मेक सम अदर प्रोडक्ट और यू जस्ट री यूज इट राइट तो रिसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग में यह फर्क है अगर लिखना चाहो साइड पर स्टार्ट डाल के आप लिख सकते हो रिसाइक्लिंग इन वॉल्व डिस्ट्रॉइंग द वेस्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट And upcycling means creating something new directly from it. <laughs> Next concept circular बायोग्रोथ इकॉनमी बाय द वे बायोग्रोथ इकॉनमी के ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल लिख चुके हैं जितने भी हमने सवाल किए हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर आपके एग्रीकल्चर इसके अंदर सब कुछ सब्स्यूम्ड है आपकी बी कॉटन एवरी वो आपकी बायोग्रोथ इकॉनमी के अंडर है तो अगर आप आसपास अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है बायोग्रोथ इकॉनमी में तो ये छह इकॉनमीज कोई नई इकॉनमीज नहीं है ये वही है बस ये कैटेगरीज अलग अलग हैं राइट और यूपीएससी घुमाएगा आपको इसके अंदर फॉर श्योर तो किसी ना किसी चीज के अंदर आपको आपको इसके हिंट देखने को मिल जाएगा क्योंकि इकॉनमी अभी यही है दिस इज द न्यू ट्रेंड राइट लिख लीजिए एक्सपीरियंस इकॉनमी बायोग्रोथ बायोग्रोथ में लिख लीजिए पहले कुछ इसको लिख लो इनोवेशन इन फूड एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन इन फूड एंड एग्रीकल्चर लास्ट इज एक्सपीरियंस इकॉनॉमी शिफ्ट टूवर्ड्स ये इंटरेस्टिंग है यह देखना जरा शिफ्ट टूवर्ड्स कंज्यूमिंग एक्सपीरियंसिस ओवर फिजिकल गुड ना, ना 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 ये आप इसको ऐसे ये कंज्यूमर बेस्ड है वैसे इसको ऐसे समझो आप कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपको रात हाँ उसमें टूरिज्म एक पार्ट है इसका बाय द वे राइट कि आप एक दुकान से जाके आटे आटा तो खरीद के ला रहे हो लेकिन आप कौन सी दुकान में जाओगे जहां पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा है एंट्री से लेके एग्जिट तक का कि वहां पर लेआउट ले कैसा है उसका है ना और बिलिंग कितनी फास्ट है कि आपका वो चीज बाय करने का एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा इस पे एक केस स्टडी है बाय द वे जैसे फॉर एग्जांपल इज दिस कार ब्रांड कॉल्ड है ना ओके मॉरिस कुछ ऐसा कुछ राइट सो दैट पर्टिकुलर ब्रांड वो आपको एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस इकोनॉमी पे खेल रहे उनके पास जब आप कुछ खरीदने जाते हो ना तो वो स्टार्टिंग में आपको एक एक बंदा साइन कर देंगे और वो आपके साथ रहेगा आपका दोस्त hmm. है ना आपको पूरा बताएगा आपकी आप गाड़ी में कमी निकालोगे वो साथ देगा आपका कि हाँ ये तो है कमी पर हम तो एक्सपीरियंस बेच रहे हैं आपको राइट तो आपको हर जगह ये चीज में अब धीरे 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 ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एक चेंज हो गया है जहां जहां पे ह्यूमन इंट्रेक्शन पॉसिबल नहीं है वहां वहां पे आपको देखने को मिलेगा चैट बॉट्स राइट, राइट? आ, कोई भी आपको प्रॉब्लम आप, कितनी जल्दी इशू सॉल्व होता है राइट दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस इकॉनमी आपको एक्सपीरियंस को बेटर करना है किसी भी तरीके से इट इंक्लूड्स योर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड हैंस इफ वी से यू आर इन्वेस्टिंग इन अ थ्री डी प्रिंटर ताकि आप अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज चीज़ें दे सको तो इट विल फॉल अंडर एक्सपीरियंस इकॉनॉमी राइट सो इन्वेस्टमेंट इन थ्री डी प्रिंटर इज़ इसके अंदर आएगा वो एक्सपीरियंस इकोनॉमी में आएगा राइट right? इसके बाद में आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट पहले ही इन्वॉल्व नहीं था राइट right? तो वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस uh, मिल रहा है उधर दैट इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस इकॉनमी अगर आप उसको बेटर कर रहे हो किसी भी तरीके से वो यहां फॉल करेगा राइट यस yes. तो मतलब तो हम वह तो वह ओ वही कॉम्प्लेक्स हो गया लास्ट वाला दोबारा बोलो ओवर सेकंड नंबर पे आ गई प्रायोरिटी मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बहुत खराब चीज उठा के ले आओगे अगर कोई बात हो जाएगी मतलब तो ये है कि सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है एक जगह एक्सपीरियंस भी अच्छा और एक जगह नहीं है लाले की दुकान से खरीदो गाली दे देता है जैसे छोटे शहर में चले जाओ अगर Over लिखा है ओवर पे देखो uh, means, उसके, मतलब उससे ऊपर। हाँ, से को वो हाँ इस पर्टिकुलर इकॉनमी में अगर राइट और एक में ट्रे बिल्कुल सेम मशीन है, सब कुछ सेम है लेकिन एक में ना ट्रेनर्स और वो उसको बात करने का तरीका अच्छा है क्वालिफिकेशन भी सेम है वेयर प्रेफर टू गो ये तो बहुत सिंपल सी चीज पूछ ली है मैंने हाँ बस वही है <laughs> तो मैं गाली गुली दे देता हूं हाँ आई होप ऐसा नहीं है <laughs> हाँ पर यस एक्सपीरियंस इकोनॉमी इसको एक्सपीरियंस इकोनॉमी बोलते हैं जैसे हमने क्योंकि टूरिज़्म अभी आपने नोट किया होगा ना तो इसमें से हम दो तीन के ऊपर क्वेश्चन जैसे एग्रो एग्रोफोरेस्ट्री के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं हमने टूरिज़्म और जीडीपी डी के ऊपर जीडीपी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया इसके अलावा हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने रूरल टूरिज़्म वो विलेज़ वाला टूरिज्म के तो वो यही सब है इट इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंस टूरिज़्म वो हमने जी ट्वेंटी कराया यहाँ पे बुलाया उनको और अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं एक आधी कंट्री को नहीं दिया है ना वो भी पता होगा उनको एडवांस में इसीलिए नहीं मिलता है मॉलडीव वाला अगर दो साल एडवांस में कर दिया था राइट right? तो ये एक्सपीरियंस टूरिज एक्सपीरियंस इकॉनमी का ही एक एग्जाम्पल है राइट right? क्वेश्चन <coughs> लिख लीजिए इंडिया एक्सपीरियंस इकोनॉमी should be the center stage of the mainstream economy. इसको free छोड़ते हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर comment ठीक है शॉर्ट रखना 150 फिफ्टी वर्ड्स का ही करना ये ये जहां पे आपने पिछली बार वाले आंसर्स रखे ना इसके साइड पे रख देना लाके इसको भी फिर मैं इकट्ठे उठा लूंगा ये और वो अरे हंस रहे हो यार जीर, जीरो भी नंबर होता है ठीक है चले जी आगे कोई बचा तो नहीं इसमें से ये आपको मैच में आएगा ये मैच द फॉलोइंग के अंदर ये सवाल बनेगा आपका राइट और ये आ सकता है यूपीएससी के अंदर आ सकता है थोड़ा सा और डेप्थ में आएगा इकोनॉमिक सर्वे निकल गया है अभी कि नहीं निकला नहीं आया अभी हाँ अगर इकोनॉमिक सर्वे में इस रिलेटेड कुछ टर्म्स आए उन्होंने कैटेगरी ऐसे दे दी क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तो विल री डू इट एक बार हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है बट आई आई डोंट थिंक कि वो डालेंगे इसको भी कुछ और और टर्म जरूर आ सकते हैं चले आगे आ जाओ जी एनपीएस एनरोलमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम पी एफ आर डी ए की मेनली दो स्कीम्स चलती हैं आप बिल्कुल लास्ट में इसी पेज के ऊपर देखेंगे दैट इज योर यनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना राइट इन दोनों को हम कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी डिटेल में आप लोग देख लेना क्यों प्रोवाइड करते हैं हम पेंशन सरकार क्यों दे रही है तो तार्थ तार्थ थे नेशन का। एक समय पे रिसोर्स थे नेशन का और सरकार बहुत भावुक होती है तो समझती तो है वो स्टार्टिंग तो में उसके लिए पर अटल पेंशन योजना तो यूनिवर्सल है यस नाउ वी आर टॉकिंग क्योंकि सरकार जिसके थ्रू बाउंड है द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बोला है हमको एक हम एक सोशलिस्ट कंट्री है राइट right? तो यस yes, तो सरकार का काम है ये करना right? राइट अगर उनका बस चले वो नहीं देंगी पैसा जा रहा है ना सेम सेम से ही कारण सेम ही सेम ही सही आपने आइडेंटिफाई किया है सेम ही कारण है और दूसरा ये मतलब इत, इतना भी कोई इसमें सोशल एंगल इत, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो आप लोग पैसा जमा करवाते हो वहाँ पे क्योंकि आप ही का पैसा है सरकार नहीं दे रही है ठीक है सरकार डज नॉट गिव यू दी पेंशन आप ही का है जो आप ओवर द टाइम जितना आप जमा करते रहते हो उ, उसके हिसाब से आपके पास में पैसा आता रहता है यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर पेंशन फंड है ना उसके बाद में सर्टेन एज के बाद में आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस इफ़ यू डाए तो आपके नेक्स्ट जो कस्पाउस है है ना उनको सेम अमाउंट ऑफ पेंशन हाँ वो वो तो वो प्योरली आप उनका दूसरा एंगल है वो कम होती है वो चार सौ पाँच सौ रुपये पर मंथ नहीं 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 वो सबको मिलती है नहीं जो लोग बी पी एल फैम अलग अलग ये कोई स्कीम्स लोकल गवर्नमेंट चलाती हैं कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं हाँ वो यूनिवर्सल नहीं है वो सर्टेन एज के बाद में कुछ कुछ स्टेट्स हैं कि अगर आप नाइन्टी ईयर से ऊपर हो गए तो चाहे आपकी इनकम जितनी भी है आपको आएगा ही आएगा महीने का सात सौ या पाँच सौ इतनी ही अमाउंट है उसकी ज़्यादा नहीं है राइट अदर देन दैट हमारे पास में और और बहुत सारी स्कीम्स हैं राइट आइए बच्चे तो आप जो लोग इसमें अंदर आप पैसा देते हैं राइट right? तो उस स्टार्टिंग के अंदर वो एक लाइबिलिटी होती है समझो इस बात को क्योंकि पेंशन जो रेगुलेटर है विच इज योर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकिन वो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती है कहीं पे लगा देती है नाउ इट्स देयर एसेट तो वो एक लाइबिलिटी को एक एसेट में कन्वर्ट कर देती है इफ यू सी पॉइंट नंबर नीड फॉर ब्रॉडनिंग पेंशन अवेयरनेस के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट कमेंडेबल इंक्रीज इन दी एय एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो यही मतलब है उस बात का कि उनकी मैनेजमेंट के अंदर कितने एसेट्स है? उनके हैं नहीं है बात की बात है पर एसेट उनका ही है फिलहाल राइट इंक्रीज फ्रॉम रुपीज टेन लैख करोड़ टू इलेवन लैक करोड़ और ये अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से बहुत रिसेंटली जनवरी टेंथ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का डेटा है राइट right? तो इतने कम टाइम के अंदर ये इतने मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है ये एक लाख करोड़ इसमें इंक्रीज आया है राइट right? इसकी ग्रोथ इंक्रीज हुई है इससे पहले जिस रेट पर ये ग्रो कर रहा था उससे ज्यादा ग्रो हुआ है इस वजह से ये अब न्यूज में हाईलाइट होगा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर शायद ये ना आए क्योंकि बहुत रिसेंट टॉपिक है ये राइट आइए बच्चे न्यूज ये बोलती है अब ये आप कारण आप साथ साथ खुद ही बोलते रहे ना दैट साउथ इंडिया हैज इमर्ज एज रनर और वी कैन से फ्रंट रनर इन एनपीएस प्राइवेट सेक्टर एनरोलमेंट्स जिसके अंदर आपका एनपीएस कॉरपोरेट एंड ऑल सिटीजन कैटेगरी सारी मतलब मोस्टली सारी कैटेगरीज के अंदर राइट साउथ इंडिया ने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है साउथ इंडिया में नंबर वाइज परसेंटेज वाइज वो लोग ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर रीजन ऑफ इंडिया वट कैन बी द रीजन ठीक है एक हो गया एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है हाँ आद, ये ये वाला फैक्ट कहाँ से पढ़ा आपने बनाया से। क्योंकि आई थिंक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर इसके ऊपर कमेंट आई थिंक नहीं है शायद तो एनएफएचएस तो जब वो वाले सर्वेज आते हैं तो हम बस हेडिंग्स देख लें कि चल क्या रहा है इंडिया में तो यहाँ वहां सही बोल रहे यही रीजन है राइट कि एक तो उनमें अवेयरनेस ज्यादा है हमने नाइनटीन 80s वाले रिफॉर्म्स हैं उनके दौरान भी देखा था कि बर्थ कंट्रोल के जब रिफॉर्म्स लेके आए थे राइट दे आर मोर ओपन टू दैट काइंड ऑफ चेंज राइट सो सेम ही कारण रहेगा यहाँ पे तो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते आइए बच्चे फिर आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले पी के ऊपर लिख लेते हैं तीनों के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं ना

नेक्स्ट इज किस कम्स अंडर द दूर ऑफ अरे पैसे का मामला है फाइनेंस अभी तो हमने AUM जैसे टर्म्स यूज करे ना इसमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और ये सब हाँ रहती है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हाईलाइट कर लेना और खासकर वो जिनको दूसरा अदरवाइज लगता था कि कोई और मिनिस्ट्री है आप लोगों की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी गलत करने की It had been established as Oasis O A S I S capital me. OASIS Oasis bolte the, is particular regulatory authority go. Old age social and income security. Old age सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी इन 2003. नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चे एनपीएस की डाल लेते हैं ये मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ आपको मैं थोड़ा सा इसमें सोशल एंगल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इसके ऊपर राइट right? तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एक बार <coughs> और जो वो वाली किताब नहीं है पतली सी एनसीईआरटी की जिसके अंदर डेवलपमेंट का क्या मतलब है सोशल सिक्योरिटी का क्या क्या नाम है उस बुक का एक एनसीईआरटी की बुक है प्लस वन प्लस टू की बुक है जिसके अंदर एक एक वर्ड के चैप्टर्स हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है नेम ऑफ द बुक यार इंटरेस्टिंग बुक है उसमें आई थिंक एक चैप्टर इसके ऊपर भी है कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी है ना बेसिकली किसी भी टाइप की सोशल सिक्योरिटी ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सरकार के साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं राइट right? कि आप अपनी कुछ चीजें अप करते हो है ना और सरकार को देते हो बदले में आप एक्सपेक्ट कर डील है सौदा राइट और आप क्या क्या अप करते हो अपनी इनकम में से एक चंक गिव अप कर दिया राइट आपने एक एक माचिस खरीदी फॉर एग्जाम्पल यू यू परचेज मैच स्टिक है ना आपने एक मैच बॉक्स परचेज कर लिया लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट पचास पैसे थी लेकिन आपने एक एक रुपये में ख़रीदा उस पर भी टैक्स आपने पे कर दिया सो so, माचिस से लेके हर चीज़ पे आपने टैक्स पे किया और खुश होकर टैक्स पे किया एक कॉन्ट्रैक्ट है कि यू हैव गिवन अप समथिंग यू ऑल्सो गिव अप योर लिबर्टीज आप हर जगह नहीं जाते हो आप रूल्स ओबे करते हो ट्रैफिक लॉज क्यों करते हो आंट यू फ्री मतलब चलान के डर से तो करते ही हो बट इसके पीछे का साइक ही सोचो योर फ्रीडम एंड वेयर माइंड स्टार्ट तो इसको एंश्योर कौन करेगा आपको कहीं तो दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करने के लिए कहीं आपको अपनी फ्रीडम को गिव अप करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ टेक्निकली यू ऑल आर फ्री लेकिन यू आर नॉट दैट फ्री कि आप गाने चला लो अभी राइट right? हुआ क्या है आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ में कि आप लोग स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे राइट right? और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलो ठीक है अगर आप स्टूडेंट की तरह करो तो मैं टीचर की तरह करूंगा राइट सो इट्स अ सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो सेम चीज़ है आपकी काइंड kind ऑफ of. पेंशन भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है राइट right? आइए बच्चे आगे लिखते हैं साइड पे नोट डाल के लिख सकते हो कि रीड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये काम आता है सरकार कुछ भी क्यों कर रही है बंदों के लिए ना तो वो यहां पे आके बात खत्म हो जाती है गांधी जी के ऊपर केस चला था एक सिडिशन केस सेक्शन नए वाले में तो सेक्शन मुझे पता नहीं है पर उस समय हाँ 124 ट्वेंटी का राइट right? तो वो सडिशन केस था तो वहाँ पे उन्होंने जज के सामने बोला था दैट इट और इल्ज़ाम ये लगा था कि आपने ना भड़काऊ भाषण दिया है स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अबाउट द गवर्नमेंट राइट ऐसा उन्होंने कुछ बोला था ना तो, गांधी जी का वहाँ पे कोर्ट आया था दैट इट इज़ अ सिन टू हैव अफेक्शन फॉर द गवर्नमेंट राइट सो जो आपका पॉइंट था <coughs> कि सरकार अच्छा करना चाह रही है नहीं है ऐसा ड्यू टू दैक्ट अगर बाउंड ही है तो अच्छा कहां से कर रही है तो कर रही है हा नाउ यर ऑन द राइट ट्रैक एंड हैंड्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना यार की अच्छा अगर आप पुलिस वाले से हाथ देगा और वहां से सीएम की गाड़ी निकल रही होगी तो मैं रुक जाऊंगा इंड अप फॉर देट कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप वाली है अब गाली मल्ली देकर बैठ जाते हो यू डू नॉट प्रोटेस्ट ओवर इट वो भी आप चार लोगों में दे लोगे जो गाड़ी में बैठे है ना यू वॉन्ट एक्ट ओवर इट सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट जो अब मैं बोल रहा था कि जो आपने लिबर्टी गिवअप करी है वो ये है अदरवाइज हुईजॉपिंग यू अभी करंटली इस देश के अंदर पुलिस और लोगों की जो रेशो है पता ना आपको वन इज टू टेन थाउजेंड है वन इज टू टेन थाउजेंड फॉर लाइक वन आर्म्ड पर्सन फॉर एवरी टेन थाउजेंड पीपल हु इज मतलब कौन रेगुलेट कर रहा है सबको एंड हैंस योर फेथ एंड रिलीजन हैंस वो मेला इंपॉर्टेंट है अगर उन लोगों के मन में नहीं होगा ना कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे भगवान जी सजा नहीं दे देंगे है ना अगर वो उनके मन में नहीं होगा तो वी डू नॉट पुलिस राइट सो अच्छा है कि फेथ में लग के वो भैया मैं अच्छे काम करूंगा बढ़िया तो आपके लिए पुलिसिंग आसान हो जाएगी आप आप एसडीएम बनोगे तो आपके पास काम कम होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता चले जाना ए, ए, एक वो गुरुद्वारे वाले फंक्शन में भी, भी चले जाना मंदिर वाले में भी चले जाना वहाँ भी चीफ गेस्ट बन जाना इधर भी बन जाना आप आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे राइट क्योंकि आपका काम कंट्रोल का ही है राइट आइए लेट्स गो बैक टू दी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नंबर टू एनपीएस के बारे में लिखते हैं बच्चे है ना थोड़ा सा अगेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं वॉज इन केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी ट्वेंटी जीरो फोर जनवरी टू थाउजेंड फोर full stop <clears throat> NPS was made available to all citizens from May 2009 एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबिलिटी बता रहे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ये बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स कौमा इन द एज ग्रुप ऑफ एटीन टू सिक्सटी फाइव ईयर्स एक यहां पे ना ब्रैकेट में लिख लो एनआरआईस सॉरी ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स एंड एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल ठीक है अब इन एलिजिबिलिटी के तीन क्राइटेरिया हैं यहां पर राइट तो क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ दलिजिबल और जिसके अंदर आपके पास में ओसीआई पी आई यू पी आईओ एच यू एफ एंड एनआरआई वो ये डाल देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है तो समझ रहे हैं, मैं क्यों लिखवाया ये फास्ट फास्ट लिखो थोड़ा सा एनपीएस इज स्ट्रक्चर्ड इन टू टू टीयर्स ये सारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है नंबर वन टीयर वन अकाउंट नॉन विदड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट बोलते हैं इसको नॉन विदड्रॉएबल टीयर वन अकाउंट में नॉन विदड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट समझ में आ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये तो नॉन विड्रॉएबल का मतलब कि बाद में ही मिलेगा सेकंड इज टीयर टू अकाउंट वॉलेंट्री विड्रॉएबल अकाउंट कॉमा अलाउड ओनली व्हेन देर इज एन एक्टिव टीयर वन अकाउंट बच्चे डॉक्यूमेंट रिवीजन कब से करनी है हमने एट टू फोर्टीन राइट लास्ट लिख लीजिए अटल पेंशन अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड इन मे 2015 comma a universal social security system for all Indians social security system for all Indians. नेक्स्ट लिखी एलिजिबिलिटी इसकी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द एज बिटवीन द एज 18 टू 40 18 से 40 इसी के साथ में लिख लीजिए कॉमा कॉन्ट्रीब्यूशन नीड टू बी मेड फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी ईयर्स अगर बेनिफिट चाहिए आपको कि साठ साल की एज के बाद में आपको हज़ार से पाँच हजार की पेंशन आ जाए तो वो कम से कम बीस साल तक कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसमें ठीक है हैंस दी एटी फोर्टी का एज लिमिट राइट नाउ यू गेट इट कि साठ के बाद तो मिलने चालीस ईसदी आखिर आपको मिनिमम बीस साल कॉन्ट्रीब्यूट करना ही है उसके अंदर इसमें एक और चीज लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ पेंशन ब्रैकेट में लिख लो रेंजिंग फ्रॉम रुपीज थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड इज गारंटीड उाइल दिस पाउस ये लाइफ टाइम है बाय दू दिस पाउस ऑन डेथ ऑफ दब्सक्राइबर है ना एंड इन द इवेंट की दोनों की डेथ हो गई है राइट देन द होल अमाउंट नॉमिनी को चली जाती है एंड इफ यू डू नॉट हैव ए नॉमिनी तो फिर आपकी अच्छी सरकार के पास ठीक है फिर वो उसको अपने पास रखेंगे चलें जी आगे आयु ये फर्स्ट टाइम असेस हुआ है बाय द वे दिस पर्टिकुलर स्पीशीज द हिमालयन वुल्फ very majestic creatures इफ सीन फ्रॉम फार एक शॉर्ट स्टोरी है मेरे पास इस पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड जिसके बाद में मतलब सो वी ट्रैक एक ट्रैक पे गए हुए थे पार पार्वती वैली के बैक साइड पे ऊपर को जाता है एक वाटरफॉल के दर कॉल्ड पुलगा उसके पीछे पीछे एक फेरी फॉरेस्ट है और वो सही बोलते हैं कि रात मतलब आप नहीं जाओगे ना तो ठीक रहता है राइट एनी वे सो वी डिसाइडेड कि हम लोग ना रात को ही ट्रैक डाउन करते हैं और एक आगे स्पॉट पे हम पहुँचे हैं तो जैसी टॉर्च ऐसे लाइट मारी हमने तो सामने से ऐसे कुछ आइस चमकती हुई दिखी एंड द लीडर स्टॉप्ड मैं लास्ट में था है ना और बीच में दो तीन लोग और थे और उसने मेरे को देखा कि पूछने के लिए कि कुछ दिखा क्या एंड आई एन ऑडिट कि येस दिखा है तो ऐसे लाइट मारी वो नहीं दिखा तो जब मैंने लाइट ऑन करी तो वो यहाँ पे था एंड <laughs> देन मैंने भी लाइट ऑफ करी अब हम रुक गए सारे हमें पता था कि तो शांत रहना पड़ेगा हमें थोड़ी देर बाद लाइट मारी तो उसको वहाँ भी दिख रहा है वो यहाँ पे भी दिख रहा है एंड लेटर ऑन वी केम टू नो देट दीज वर देयर सर्दियों का टाइम था वो या सो दिज आर मेजेस्टिक ओनली इफ देयर आर फार अवे इफ देर अगर ये तुम्हारे आसपास होते हैं uh, अभी भी मेरी थोड़ी सांस उखड़ रही है वो <laughs> गुड एक्सपीरियंस राइट सो फर्स्ट टाइम स्पीशीज राइट एंडरेबल की कैटेगरी के अंदर डाला है आई यूसी राइट तो हमारे लिए पर्टिकुलर स्पीशीज इंपॉर्टेंट होगी क्या रेंज है इसकी वो इंपॉर्टेंट होगी प्लस क्योंकि यूपीएससी अब थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में जा रहा है कुछ पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे लिए साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट हो गया है एंड इफ यू आर इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर पीसीएस वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी है important है, scientific name included. ये इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम इंक्लूडेड आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में देखिए सेकेंड पॉइंट आप देखिए ऊपर डिक्लेयर्ड वनबल के अंदर कि कैटेगराइज एज वनबल विद जस्ट यहां पे इसकी एक एक नंबर भी गिवन है कि वर्नरेबल में क्यों है एंड आपको मैंने आई रेड लिस्ट का पहले भी बताया था दैट एंडेंजर्ड के अंदर ये तीन कैटेगरीज आती हैं राइट यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कौन कौन सी तीन आती है बच्चे हाँ राइट right. ठीक है तो मतलब अब ये उस आ, उस लिस्ट के अंदर ये आ चुका है राइट right? हिमालयन बुल्फ के अंदर आप देखेंगे हैबिटेट हाई ऑल्टीट्यूड ग्रास लैंड प्रिसाइसली यही मिले थे हमें ये दे आर फाउंड इन हायर ऑल्टीट्यूड एंड रीजन रीजन इन द हिमालयस एंड द तिब्बतन प्ले, प्लेटू इंडिया नेपाल एंड चाइना राइट अगर आप देख पा रहे हो तो स्नो लेपर्ड से ओवरलैप हो रहा है लेकिन स्नो लेपर्ड का एरिया बहुत ज्यादा वाइड था हमने उसका मैप देखा था इनका हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स तक ही सीमित है राइट स्नो लेपर्ड्स का इनसे ज्यादा है लास्ट क्लास में किया था हमने आई थिंक उससे लास्ट क्लास में किया था राइट बच्चे लेट लेट अस ले मेरे को थोड़ा सा आप बताइए थ्रेट्स टू हिमालयन वुल्फ बाकी आप पढ़ लेना ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें वट आर द्रेट्स टू हिमालयन हिमालय आई एम सॉरी फॉर दैट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ठीक है लिख लीजिए कुछ कुछ तो बेसिक है वहां तक तो आप पहुंच जाओगे ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपने क्या बोला था बच्चे अभी हैबिटेट लॉस लिख लीजिए ह्यूमन इल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों आई ने जब डेड लिस्ट में डाला ना तो उन्होंने खुद से ही बोला ये ये उन्होंने खुद भी बताया और <laughs> इसकी जैकेट नहीं अच्छी बनेगी इस फर की पोचिंग एंड हंटिंग यस इनके हैबिटेट को हैबिटेट लॉस में आ जाएगा जब हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं उसमें से एक ये भी पॉइंट बनेगा हा न... कहा अच्छा इसके अलावा ना एक एक और है मतलब इस टाइप की स्पीशी को जब प्रिजर्व करने की बात आती है ना समझना इस चीज को लोकल कम्युनिटी ना इतने ज्यादा हक में नहीं होती कि ये स्पीशीज़ को इस टाइप की स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए वाई डेंजर है और उनकी जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम ही होता है वैसे मैं बताऊं आर ऑल्सो कि नहीं इनसे पंगा लो तो ठीक रहेगा वो दूर ही रहते हैं वो शाई क्रिएचर्स हैं ये एंड फॉक्सिस दोनों राइट बट ह्यूमन को सेंसिटाइज करने में ना कि इनकी प्रिजर्वेशन करनी है वो इतना ज़्यादा मतलब यू नो दे दे देर नॉट अटैच दैट मच इसको इसको कहा जाता है डेप्रीडेशन कॉन्फ्लिक्ट कि उस बंदे को बचा उस स्पीशीज को बचाने की बात हो रही है जो आपका नुकसान करती है है ना दिस इज कॉल्ड डेप्रीडेशन कॉन्फ्लिक्ट लिख लीजिए इसको डेप्रीडेशन कॉन्फ्लिक्ट डेप्रिडेशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ प्लंडरिंग एन एक्ट ऑफ अटैकिंग तो ये जो भेड़ भेड़ बकरियाँ उनकी होती हैं है ना जिनको चराते हैं वो या याक हैं या आपकी इसके अंदर ना इनकी गिवन है इनका प्रे ब राइट तो इनके ऊपर अटैक्स होते हैं और ये उन जानवरों पर अटैक करते हैं देन वी हैव दिस दिस पर्टिकुलर थिंग सो कॉन्फ्लिक्ट आपको बाकियों के साथ भी देखने को मिलेगा जब हम एलिफेंट्स को बचाने की बात भी करते हैं ना ये पर्टिकुलर एक पंगा बीच में से उठ के आता है हालांकि एलिफेंट इज अ रेवर्ड एनिमल है ना सेम सेम गोस फॉर द मंकी बट रेस्ट ऑल आर वर्मिन फॉर देम राइट तो उनको कन्विंस करना कि एक ऐसी स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए हमने स्टेप्स उठाने हैं जो आप ही की भेड़ बकरियों को आप ही के जानवरों को है ना ग्रेजर को आप ही के गैक कर रही है दिस इज कॉल्ड डेप्रोडेशन कॉन्फ्लिक्ट कैन यूज दिस टर्म वेर एवर यू वॉन्ट टू यूज इसके अलावा भी राइट है ना वो सिक्किजम में था ना कि वो आई थिंक मैम फॉर द नेम ऑफ दैट वॉरियर कि वो दूसरों के घायल सैनिकों को भी पानी पिला रहे थे है ना हाँ सो वट इज दैट वो वो मुद्दा क्यों है उसको वो हमें क्यों पता है वाई इज दैट वो प्रोपोगेट क्यों हो रहा है हमारे तक क्यों पहुंच रही है वो बात बिकॉज इट हाईलाइट दैट डिस्पाइट ये दिडेशन कॉन्फ्लिक्ट यू हैव टू डू वट इज राइट राइट सो दैट इज द डेप्रिडेशन कॉन्फ्लिक्ट किस ऐसे इंसान के साथ में आपने सही से करना है ऐसी स्पीशीज के साथ में सही से करना है जो हो सकता है आपका नुकसान करे राइट दिस इज कॉल्ड द डेप्रडेशन कॉन्फ्लिक्ट और हाईली रेवर्ड होती है ये बात ठीक है बच्चे और इसके अलावा एक एक और पंगा भी है दैट नाउ दे हैव विद डॉग्स लिख लीजिए इसको हाइब्रिडाइजेशन विद डॉग्स ये वहां पे आपको इनर विलेजेस में आपको हिमाचल के देखने को मिलते हैं ये क्या आपको लगते हैं कि ये वुल्फ जैसे हैं ये और वो हाइब्रिड होते हैं एंड मेन पॉपुलेशन के ऊपर फिर नुकसान होता है इस चीज का कैसे होगा मेन पॉपुलेशन के ऊपर नुकसान अगर हाइब्रिड हाइब्रिड वुल्फ आ जाएंगे तो कंपटीशन एज सिंपल एज दैट कंपटीशन सेम लिमिटेड रिसोर्सेज एक अलग टाइप ऑफ हाइब्रिड ब्रीड आ गई है राइट right? इसके ऊपर एक और डिबेट चल रही है बाय द वे हो सकता है आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी आए दे वांट टू डिक्लेयर दिस दिस पर्टिकुलर वुल्फ एज सेपरेट स्पीशीज एक अलग स्पीशीज की तरह डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इसको अदरवाइज इट इज वुल्फ विच इज इन हिमालय हैंस द हिमालयन वुल्फ राइट बट हिमालयन वुल्फ अपने आप में एक स्पीशीज नहीं है तो वो चाह रहे हैं कि ये स्पीशीज भी बन जाए तो हैंस अभी कंजर्वेशन एफर्ट आया है मे बी आने वाले टाइम के अंदर आपको दिखे कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज को अलग से स्पीशीज के लिए भी कुछ हो जाए इसमें बच्चे एक ना एक और पॉइंट लिखिए आप हाँ दिस इज द हिमालयन वुल्फ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स बिकॉज इसके पास हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है एंड इफ यू कैन सी दिस इज द ए इन आई यू कैन सी मतलब ये क्वेश्चन आया था अभी इसी साल मतलब द लास्ट प्रीलिम्स इनवेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप के ऊपर एक सवाल आया था राइट तो वो इसी टाइप के टॉपिक से उठते हैं सवाल ये वाले आई को भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे इसमें आई यू सी एन इज द आंसर राइट right? सारी चीजें ऑलमोस्ट आई के कवर हो गई है एक रह गई वो वो लिख लेते हैं हम आई ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज रेड लिस्ट के अंदर इंक्लूड होता है इट्स कॉल्ड द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज हेडिंग डाल लीजिए आई ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज द इसमें लिखे द रेड लिस्ट इंक्लूड्स द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज कॉमा विच असेसिस द रिकवरी ऑफ द स्पीशीज विच असेसिस ए डबल एस ई डबल एस ई एस विच असेसिस The recovery of the species populations <coughs> and measures their conservation success. लिख लीजिए लीजिएर आर एट ग्रीन स्टेटस कैटेगरीज मतलब अगर सवाल आएगा तो इसी के ऊपर आएगा इन्हीं में से कुछ पूछ सकते हैं एट ग्रीन स्टेटस कैटेगरीज लिस्ट बना लो एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड टिकली डिप्लीटेड लार्जली डिप्लीटेड मॉडरेटली डिप्लीटेड ये देख रहे हो कितने कन्वीनियंट वर्ड है समझने के लिए ऐसा लग रहा दो टीनेजर्स बात कर रहे हैं आपस में नेक्स्ट इज स्लाइटली डिप्लीटेड ये कैटेगरीज हैं ना, इसमें एक जरा सा डिप्लीटेड भी होना चाहिए कैटेगरी कॉमा फुली रिकवर्ड कॉमा नॉन डिप्लीटेड लास्ट ए, एक रह गई ना इनडिटर्मिनेट आई एंड टी ई आर एम आई एन ए टी ठीक है इस टाइप से सवाल आते हैं देखो इसमें आई में यही एक एक ये पर्टिकुलर चीज पेंडिंग रहेगी ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ कवर हो गया है रेड लिस्ट समझ में कैसे समझ नहीं कैसे वो भी हो गया है कितनी कैटेगरी सारे टाइप के सवाल आ गए हैं एक ये बचा हुआ है आई का राइट right? और फिंगर्स क्रॉस कि किसी एक में आ जाए ये ये न्यूज तो पहुंच गई होगी सब तक है ना कि रिड्यूस स्नोफॉल no है <clears throat> इसके क्या मेजर मेजर कारण है बच्चे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं विथ सर्टेन स्टैट्स आल्सो राइट अभी हम जो लास्ट के कुछ टाइम में एक्टिविटी करेंगे इसके बाद विल विल जस्ट गो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस क्या मतलब है इस बात का टेक योर टाइम टेक योर टाइम कैटेगरीज बनाओ इसकी रैंडमली मत करो वट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ रिड्यूस नो फॉल ठीक hmm. है मतलब इस वी कैन कॉल इट की ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है ए, एबलेशन ज़्यादा होगी ठीक है जी बायोडाइवर्सिटी लॉस ये उसका फर्दर इम्पैक्ट हो गया <coughs> देखो अभी फिलहाल बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा इमिजिएटली इट इज जस्ट अ सीजन की इस साल बर्फ नहीं आई है वाटर स्कारसिटी होगी क्यों वाटर स्कॉसिटी होगी ग्राउंड वाटर चार्ज नहीं होगा इनका ठीक है जी इकॉनमी पे इम्पैक्ट आएगा कैसे टूरिज्म पे आ गया ठीक है तो मतलब अगर जब हम टूरिज्म पे लिखेंगे तो हम फर्दर उस पर डाल देंगे और हम्म अब देखो बिल्कुल से और बताओ हाँ वेरी गुड पॉइंट एल्बिडो पे फर्क पड़ेगा और बताइए क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आएगा अब आना चाहिए मतलब इफेक्ट आएगा और और सोचो हम्म ठीक है वो तो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न में और वाइल्ड लाइफ वाले उसके अंदर पॉइंट में वो आई थिंक सबसेम हो जाएगा हाँ उसमें आ जाएगा और बताओ अगर वो नहीं पानी नहीं होगा एक्स्ट्रा तो हम इस एरिया के अंदर हमने हिमालयन बेल्ट के अंदर वो बहुत किया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है राइट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी राइट है ना ऐसा सब कुछ होगा जितने भी अपने पॉइंट्स बोले ना बच्चे इसको हम शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन में डिवाइड कर सकते हैं लाइक like, आपका टूरिज्म वाला जो पॉइंट है इट विल फॉल अंडर योर शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन है ना और जो ग्राउंड वाटर चार्ज करने वाला पॉइंट और क्रॉपिंग पैटर्न वाला पॉइंट है ये हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर आएगा तो 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 हाँ बच्चे इसके पॉजिटिव देखो तुम यूपीएससी वाले हो किसके नहीं है हाँ हाँ इन्वायरमेंट वो कहा गाड़ियां नहीं जाएंगी कम पोल्यूशन होगा कौन से लोग होंगी कैसे अच्छा नहीं अच्छा। वो एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज वैसे भी नहीं लगा रहे हैं आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा कि जबरदस्ती वाले पॉइंट्स हैं ये फायदे के है ना वही मैं कह रहा हूं कि तुम निकाल तो लोगे ही बट ये नेचर से छेड़छाड़ है है ना इट्स एन अनोमली राइट लिख लें इसको इंप्लीकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चाहे तो ऐसे साइड पर डिवाइड कर लो या फिर जैसे भी आपको करना है शॉर्ट टर्म लिख लेते हैं पहले टूरिज्म डाउन टर्न जहां जहां डिसएग्री करोगे बता देना टूरिज्म डाउन टर्न या के पॉइंट हैं वैसे नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर्स एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स फॉरेस्ट फायरस एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट इसमें ही आप सब पॉइंट्स डाल सकते हो वाले जो इन्होंने पॉइंट बोले थे uh, क्योंकि ये कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हम uh, ऐसे लिख सकते हैं रिड्यूस्ड एप्पल एंड सेफरन यील्ड्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा यील्ड रिड्यूस हो जाएगा और ये होता भी है क्योंकि विंटर क्रॉप जो इस एरिया में लगते हैं उसको स्टेडी मॉइस्चर चाहिए होता है स्टेडी मॉइस्चर एकदम स्टेडी मॉइस्चर राइट सो दैट इज फ्रॉम स्नो मेल्टिंग ओनली राइट तो स्नो नहीं है तो स्टेडी मॉइस्चर नहीं मिलेगा दैट मीन्स कि विंटर क्रॉप्स जो हैं हाँ शॉर्ट टर्म के अंदर यील्ड्स और लॉन्ग टर्म के अंदर फिर आपको क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज होगा राइट दिस इज द वे टू गो और लॉन्ग टर्म में लिख लीजिए ओ ग्रेट पॉइंट हां बिल्कुल कर सकते हैं कैसे करेंगे पर बताओ यस नए रूट्स खुलेंगे हाँ देट्स द टर्म रिड्यूस्ड कि अब रिड्यूस्ड स्नो है तो मतलब समवर्ट ईजी हो गया अभी आई थिंक आप लोग ही बट बोल रहे थे वो पॉइंट है ना कि शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं उसमें इनएक्सेसिबल हो जाती हाँ तब तो अब नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पर स्ट्रेटेजिक मींस सिक्योरिटी है ना रमान वही बोल रहे हैं हाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये आप डिसाइड करोगे डिपेंड करेगा सेंटेंस फॉर्मेशन पे न्यूट्रल है वैसे हाँ आर्मी है वो अदरवाइज स्पीकिंग अदरवाइज न्यूट्रल है वो अदरवाइज कुछ नहीं है जिस एरिया की तुम बात कर रहे हो अभी भी गार्डेड ही हैं एंड अब वैसे भी वॉरफेयर जो है वो कन्वेंशनल uh, वॉरफेयर खत्म हो चुका है मोस्टली मतलब मैं लगा था ये फिर फिर यूक्रेन हुआ फिर इसराइल हुआ फिर अब फिर से कन्वेंशनल वॉरफेयर अब फिर से डिफेंस के ऊपर मिसाइल्स के ऊपर खर्चा जस्टिफाई होगा वंस अगेन कि हमें तो चाहिए ही है रफेल के बिना कैसे चलेगी कंट्री राइट डाइगरेस मत हो वापस आ जाओ लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन देख रहे थे अरमान सोचना पड़ेगा उसको किस तरीके से किस एंगल पे जाना है डिपेंड करता है सवाल क्या है दोनों तरफ वो भी सही बोल रहे आप भी सही बोल रहे हो दोनों दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स एकदम वैलिड हैं डिपेंड करेगा कहाँ यूज करना है इसीलिए मेरे को ये यू वालों पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तुम कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो हमारा काम है क्योंकि ये करना आप तोते हो ना सरकार के यू आर पैरट्स जो सरकार बोलेगी आपको वो करना है आप इंप्लीमेंट करोगे एग्जीक्यूटिव में जाओगे आप यू आर नॉट गोइंग इन द लेजिस्लेचर यू आर गोइंग इन द एग्जीक्यूटिव वन हु एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट वट वॉट दट एवर द गवर्नमेंट सेज गवर्नमेंट विल से लाठी चार्ज करो तो करना है राइट यू आर द एग्जेक्यूटिव नारे आपके खिलाफ नहीं लगते नारे सरकार के खिलाफ लगते हैं हाउ एवर डंडा आपके हाथ में होता है क्या कारण है उसका है ना दिस इज द रीजन आइए बच्चे लॉन्ग टर्म में रिड्यूस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन एक्सक्यूज मी ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर सप्लाई चैलेंज ठीक है बच्चे टॉपिक नंबर सेवन एक बार आप खुद से पढ़ लेना इसमें कोई डाटा देने वाला है नहीं दिस वाज अ टॉपिक टू गिव यू अ ब्रेक लिखने से ब्रेक मिलेगा तो अब तो ब्रेक ही है आपकी तो ये पढ़ लेना इसके अलावा लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं इसमें से एक टॉपिक को आई वुड लाइक टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास राइट टॉपिक नंबर एट नाइन वाला आप देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं डिक्लाइन हुई है कोई रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है उसके कुछ वो चेंजेस आए थे उसके अंदर रिसेंटली उस चेंजेस को स्टॉप करने के लिए रिक्वेस्ट डली थी जो कि डिक्लाइन हुई है तो हमारे लिए चेंजेस पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गए हैं राइट ऑल इट थैंक यू सो मच आल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ऑनलाइन बच्चों के आंसर्स दे आर जेन्यूनली वेरी नाइस दे आर एट पार जो यूपीएससी के टॉप रैंकर्स के आंसर्स होते हैं टॉप 200 वाले उन उनकी अच्छी खासी चल रही है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन वालों को कूडोज टू यू एंड आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सारे ही कम्पिटिशन हैं आपका है ना और नंबर वन कंपिटिशन आप लोग खुद हो खुद का तो ट्राई टू बी बेटर देन यस्टरडे राइट तो अगर किसी ने एक भी नहीं लिखा है कंसिडर दिस डे वन राइट एंड स्टार्ट डूइंग इट आई शुड सी लॉट ऑफ आंसर्स और ऑनलाइन वाले रेगुलर भी बहुत है आंसर्स को लेके राइट एंड दे राइट बोथ दी क्वेश्चन और उनके आंसर्स बहुत वेल आर्टिकुलेटेड होते हैं एंड नाउ फॉर सम उनको मैंने मेल में मैंशन भी किया है आई विल बी शिफ्टिंग टू अ वेरी हार्श मार्किंग नाउ फॉर देम

हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दी करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मे एज वेल एज योर इंटरव्यू नंबर वन यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनी नेक्स्ट यू गेट वीकली पी जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है राइट ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है लास्ट यू गेट वीकली टेस्ट जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके राइट दिस इज़ द त्रिशूल मॉडल अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दिस इज द कंप्लीट कोर्स इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो अगर आपने सोच लिया है वी हैव ड्रम्पट इट वी कैन डू इट जिद से जीत तक